दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक किराना की शॉप खोली थी। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप किराना की शॉप खोलते हैं तो आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, उस पर कितना पैसा लगा करके आप किराना का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं किराना बिज़नेस की, अगर दोस्तों आप किराना की कोई शॉप खोलते हैं या तो आप खोलना चाहते हैं, तो दोस्तों उस पर आपको कितना पैसा लगाना चाहिए शुरुआत पे और कितने पैसे से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अगर दोस्तों मैं बात करूं किराना शॉप खोलने के लिए, तो आपको शुरुआत में 30 से 40 हज़ार रुपये का माल भरना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में आप थोड़ा ही माल भरें, क्योंकि दोस्तों उससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, उसके बाद आप उस पर माल भर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत तो आप इस पे 15 हज़ार रुपये से भी कर सकते हैं, लेकिन 15 हज़ार रुपये में आप सारे प्रोडक्ट नहीं ला सकते, क्योंकि किराना की जो सामान होते हैं उस पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें सभी चीज़ें आना संभव नहीं होता है 10 से 15 हज़ार में। अगर आप 30 से 40 हज़ार रुपये लगाते हैं तो ही आपके जो ज़रूरत के सामान होते हैं वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों सभी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसमें, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप इस पे एक एक दर्जन या दो दो दर्जन भी लेते हैं तो भी आपका 30 से 40 हज़ार रुपये लग जाता है। क्योंकि दोस्तों उस पे काफ़ी सारे प्रकार के बिस्किट होते हैं, आपको शुरुआत में सभी तरीके के बिस्किट लेके आना पड़ेगा। उसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे दुकान से सेल होगा, कौन सा नहीं सेल होगा। इसके लिए थोड़े थोड़े बिस्किट शुरुआत में ला करके रखें, उसके बाद जब आपका लगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा में मंगाएँ। अगर दोस्तों मैं बात करूँ आप 30-40 हज़ार रुपये लगा करके कितना पैसा कमा सकते हैं, अगर दोस्तों मैं इसमें कमाने की बात करूँ तो इस पर 10% का मार्जिन होता है। अगर आप किराना की शॉप में अगर कोई भी काम करता है तो उसको पता है कि 10% से 8% की मार्जिन में इसमें काम करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जो ब्रांड होते हैं उनमें 8 से 7% ही मिलता है, और जो कुछ लोकल प्रोडक्ट होते हैं उसमें 30 से 40% का मार्जिन मिल जाता है। अगर दोस्तों आप 30-40 हज़ार रुपये लगा करके आप बिजनेस को शुरू करते हो, अगर आपकी सेलिंग होती है 3 से 4 हज़ार रुपये की, तो आपको 300 से 400 रुपये की आसानी से बचत हो जाती है, जो कि दोस्तों महीने के आसपास होता है। 10 से 15 हज़ार रुपये आप आसानी से इसमें कमा सकते हो। दोस्तों इस पे अगर जैसे ही अगर आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी तो आप इस पे ज़्यादा भी कमा सकते हो। मैं जितनी आपकी सेलिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हर एरिया में अलग अलग इसकी मार्केटिंग, हर एरिया में हर अगर सेलिंग होती है, क्योंकि जो दोस्तों शहर में दुकानें होती है वहाँ सेलिंग इसकी ज़्यादा होती है, जो गाँव में होते हैं उनकी वहाँ सेलिंग कम होती है। लेकिन दोस्तों गाँव में जो होते हैं उनकी मार्जिन ज़्यादा होती है, क्योंकि जो दोस्तों गाँव में जो दुकानें होती हैं वहाँ पास लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है, ना कि शहर में लोकल प्रोडक्ट बहुत कम चलता है, वहाँ ब्रांड के प्रोडक्ट चलते हैं। तो दोस्तों जो गांव में लोग खोलते हैं उनकी 15 से 20% की मार्जिन हो जाती है, और जो शहर में खोलते हैं उनकी 8 से 10 ही% रहती है। तो आप लोग दोस्तों ये सोच के लीजिए कि आपको गांव में शुरू करना है या शहर में शुरू करना है, इतना ही आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप किराना की शॉप खोलते हैं तो शुरुआत में आप क्या करें कि जो प्रोडक्ट आप लेके आए हैं उसके बाद दोस्तों आप उसको ज़्यादा क्वान्टिटी में माल लेके आएँ। जैसे कि दोस्तों जो बॉक्स होते हैं उसका रेट अलग होता है, अगर आप बॉक्स लेके आएंगे तो उस पर आपको 20 से 25% का भी मार्जिन मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों उस पर क्या होगा कि आपको होलसेलर का और रिटेलर का दोनों का मार्जिन मिलेगा, तो 10-10% दोनों मिल जाता है, तो आपको 20% का मार्जिन हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में दोस्तों हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे दुकान में कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा कौन सा नहीं सेल होगा। तो उसके बाद दोस्तों जब आपकी प्रोडक्ट आप दुकान जैसे खोलें, अगर आपके दुकान से जो भी प्रोडक्ट बिकने ज़्यादा लगे तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट आप अपने दुकान में ज़्यादा भरें। दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो या कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके की जानकारी देते हैं, ना कि कुछ गलत बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।